एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, जिसको पहले के वक्त में बहुत शुरू में कहा जाता था ग्रिड, इसका नाम उस वक्त में ग्रिड ही था, यानी कि गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी, और इसी के साथ साथ उससे भी पहले इसका नाम रखा गया था गे कैंसर। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 40। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। पेंसिल्वेनिया के हाईवे पे लोगों ने एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है कि वहाँ पे चार्ली नो फेस यानी कि ग्रीन मैन दोनों ही एक हैं। उन्होंने नाम रखे हैं और कह रखा है कि ये एक राक्षस है, ये एक मॉन्स्टर है, जो कि असल में कोई राक्षस नहीं था। जब असलियत पता लगी लोगों को, जांचकर्ताओं को, कि ये है रेमंड रॉबिन्सन, जिसके बचपन में एक हादसा हो गया था और उसकी शक्ल एक एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ गई थी, और ये कोई भूत नहीं है बल्कि एक इंसान है जिसका नाम चार्ली रॉबिन्सन है, और जो चाहता है कि लोग उससे डरे ना, इसी वजह से वो ज़्यादातर घर में ही रहता है, लेकिन कभी कभार टहलने का भी मूड होता है बंदे का, तो घूमने गया तो लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि उन्होंने भूत देखा है, और उसका नाम भी रख दिया चार्ली नो फेस और ग्रीन मैन। पोलर बियर पर अब ये साफ साफ असर दिख रहा है क्लाइमेट चेंज का, जिस वजह से वो साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें मिल रहे हैं ग्रिजली बियर, और उनके साथ मेटिंग करने के बाद में एक नई नस्ल ने जन्म लिया है जिसे कहा जा रहा है ग्रोलर बियर। 9/11 के अटैक से पहले सिर्फ 16 जलों के नाम थे नो फ्लाई लिस्ट में, यानी कि ये लोग कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठ सकते थे। अगर किसी और देश में रहते हो यूएस के अलावा, तो ये वहां से बैठते हुए कहीं भी जा सकते हैं सिवाय यूएसए के, लेकिन जो लोग यूएसए के अंदर रहते उनको तो फ्लाइट में खैर चढ़ने भी नहीं दिया जाता, उन्हें तो एयरपोर्ट में घुसने तक नहीं दिया जाता कि वो फ्लाइट में बैठ जाएं। लेकिन ये लिस्ट 9/11 के बाद में पहुंच गई 47,000 लोगों पे, यानी कि 47,000 पीपल इसमें इंक्लूड कर दिए गए कि ये लोग कभी भी यूएस के अंदर नहीं आ सकते और ना ही यूएस के बाहर जा सकते हैं। अगर इनमें से कुछ लोग यूएस में रहते हैं उनको फ्लाइट में चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। कई लोग दारू इस वजह से पीते हैं कि वो पुरानी यादें भुला देना चाहते हैं, पुरानी कुछ बैड मेमोरीज होती हैं उनको भुला देना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं दारू कभी भी किसी की कोई पुरानी मेमोरी या यादें नहीं भुलाती है, बल्कि वो उस वक्त में नई मेमोरी क्रिएट करना बंद कर देती है। जिस तरीके से कोई पीसी अगर हैंग हो जाता है तो वो कोई नई फाइल क्रिएट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बस फ्रीज रहता है और उसके बाद में आपको रिस्टार्ट ही करना पड़ता है। इसी तरीके से आपका दिमाग भी हैंग हो जाता है उस वक्त के लिए और कोई नई मेमोरी क्रिएट नहीं करता है, बल्कि जब आपका हैंगओवर उतर जाता है तब वो दोबारा से रिस्टार्ट होता है नई मेमोरी बनाने के लिए। किस किस बंदे ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी की मूवी देखी है? इस मूवी का बजट था सिर्फ $15,000, लेकिन इस मूवी ने कमाए $194 मिलियन, यानी कि $194 मिलियन। और शुरू में जब ये मूवीज देखने लोग आ रहे थे तो वो थिएटर से जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे, तो स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को ऐसा लगा कि ये शायद मूवी बोरिंग है, लेकिन उन्हें बाद में मालूम चला कि लोग इससे इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो खटाखट निकले जा रहे हैं बाहर। स्टीव जॉब्स एक इटालियन क्लोथ कंपनी का भी नाम है जिन्होंने 2012 में रजिस्टर करवा लिया, जब उन्हें मालूम चला कि एप्पल ने स्टीव जॉब्स का नाम ट्रेडमार्क में रजिस्टर नहीं करवाया था, और उन्होंने करवा लिया और आज उनकी कंपनी धड़ाधड़ पैसे छाप रही है। ड्वेन जॉनसन एक बहुत बड़ा नाम है हॉलीवुड इंडस्ट्री में, और इसी के साथ साथ WWE में तो सब जानते ही हैं, और जहाँ भी वो जाते हैं वो अपने जिम इक्विपमेंट्स के साथ ही जाते हैं। ज़्यादातर जब रिमोट एरिया में उनकी शूटिंग होती है तब उनके 18,000 किलो से भी ज़्यादा वजनी जिम इक्विपमेंट्स वहाँ पहुँचाए जाते हैं, और उसके बाद में असेंबल किए जाते हैं, और उसके बाद में वो वहाँ पर अपनी जिम भी करते हैं और शूटिंग भी कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद में अगली लोकेशन जो होती है वहाँ पर इन इक्विपमेंट को पहुंचाना होता है, जिसके बाद में वो वहां जिम करते हैं और शूटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रूमैन की रिक्वेस्ट पर कोका कोला ने एक स्पेशल वर्जन बनाया था कोक का सोवियत मार्शल जॉर्जी ज़ुकोव के लिए, ताकि वो जब पी रहे हो कोक तो लोगों को ऐसा लगे कि वो कोक नहीं बल्कि वोडका पी रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल वर्जन जो बनाया गया था ये था ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पानी की तरह। इंडिया के अंदर AI और डाटा साइंस की फील्ड के अंदर 50,000 जगह खाली हैं, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल के एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से ये जगह अभी भी खाली है। यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, टेक्निकल आर्किटेक्ट्स और डाटा इंजीनियर्स, और इसी के साथ साथ इसी फील्ड से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल की कमी की वजह से ये जगह अभी भी खाली हैं, जो है 50,000 से भी ज़्यादा। USA के रॉजर्स हाई स्कूल के एक स्टूडेंट को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि स्कूल के स्टाफ ने उसका एक ट्वीट पकड़ लिया, जब उससे सवाल किया गया था ट्विटर पे क्या तुम अपनी
टीचर के साथ डेट पे जाना पसंद करोगे, उसने लिखा। एक्चुअली ये तो उसने सिर्फ ये दो वर्ड लिखे, तो उसको इस दो वर्ड की सजा मिली, 2 मंथ का सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंड कर दिया उसे 2 मंथ के लिए, स्कूल नहीं आना। इसके बाद में उसकी फैमिली ने उन पर लॉ सूट फाइल कर दिया, स्कूल वालों पे लॉ सूट फाइल कर दिया, जिसके बाद में स्कूल वाले वो केस हार गए और उन्हें हर्जाना भरना पड़ा उस फैमिली को $4,25,000। फिलहाल के लिए उस लड़के की उम्र है 19 साल और इस वक्त में उसकी जेब में इतना पैसा है कि टीचर का प्रिंसिपल भी कह रही होगी रुक मैं आ रही हूँ। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਜਿੱਗਦਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾ।